की उपस्थिति में 3DX में बीमारियों से बगैर दवाई लिए छुटकारा कैसे मिल सकता है, उस संदर्भ में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। आजकल बच्चे जंक फूड खाकर कोई ना कोई बीमारियों का शिकार हो जाया करते हैं। बीमारियां हमारे अंदर ही होती हैं, इसलिए बीमारी की जड़ें तक पहुंचकर उसे काट देना अत्यंत जरूरी है। ने कहा कि वे पिछले 17 सालों से कोई भी दवाई नहीं ले रहे और इन्होंने कई सारे रिसर्च भी किए हैं। साथ ही उनका एक लड़का है जो 9 साल का, उसे जन्म से आज तक कोई दवाई नहीं खाई है और हेल्दी भी है। यह कार्यक्रम सेमिनार के बाद 24 आवर्स टुडे न्यूज द्वारा कई लोगों के प्रतिभाव भी लिए गए। लोगों ने यह सेमिनार को जीवन का सर्वश्रेष्ठ सेमिनार होने की बात भी कही। इस कार्यक्रम में मेनली यही समझाया गया था कि जो सारी बीमारियों की जो जड़ है वो बाहर नहीं है, वो खुद के अंदर होती है। अगर खुद का शरीर अच्छे से आप मेंटेन करते हो, खुद की फिटनेस बना के रखते हो, अच्छी डाइट लेते हो, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। मिसेस नेहा गांधी, प्रिंसिपल ऑफ नेस्ट प्री स्कूल। आज किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? एक्चुअली हमारी नेस्ट प्री स्कूल से आज हमने एक ऐसा फंक्शन अरेंज किया था, एक ऐसा सेमिनार अरेंज किया था जिसमें बच्चे बड़े हर कोई अपने आप को हेल्दी रख सके। एक ऐसा सेमिनार हमने अरेंज किया था जिसके थ्रू पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्दी रख सके विदाउट एनी मेडिसिन। इसलिए हमने डॉक्टर आशीष ठक्कर को इन्वाइट किया था, ही इज़ फ्रॉम मुंबई, और उन्होंने आज हमारे पेरेंट्स को ये समझाया कि बिना किसी मेडिसिन लिए अपने आप को हेल्दी कैसे रखा जाए। उन्होंने खुद ने 17 ईयर्स से एक भी मेडिसिन नहीं लिया है और अपने बेटे को भी 9 ईयर्स का उनका बेटा है तो उनको एक भी मेडिसिन नहीं दी है अब तक। तो हमारी कोशिश यही है कि हम अपने पेरेंट्स को ये समझा सकें कि बच्चों को किस तरह से हेल्दी रखा जाए, किस तरह से उनका फ्यूचर डेवलप किया जाए, सो दैट कि बच्चे हेल्दी माइंड, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली हेल्दी रह सके। क्या कार्यक्रम का मुख्य हेतु, मतलब कार्यक्रम से कितने लोगों ने कुछ सीखा है, ऐसा आपको लग रहा है? ऑलमोस्ट सारे लोगों ने सब कुछ कुछ ना कुछ सीख के गए। स्पेशली सब लोगों ने ये सीखा है कि माइंडसेट कैसे चेंज करना है, बिकॉज आजकल जो बच्चों में एंगर, नेगेटिविटी, ये सब जो इंक्रीज हो रहा है उसी के ऊपर डॉक्टर ने थोड़ा बहुत फोकस किया था। सो उन्होंने भी यही सीखा है कि बड़े तो बड़े, बच्चों को भी हमें किस तरह से पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ हमें कन्वर्ट करना है बच्चों को। कितने हद तक ये कार्यक्रम सफल हुआ है, ऐसा आपको लग रहा है? हमारे हिसाब से तो ये 99.9% ये सक्सेस है, बिकॉज जो भी पेरेंट्स आए हैं वो हमें यही बोल कर गए हैं कि मैम हमने डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखा है एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्लीमेंट दिस थिंग्स इन आवर लाइफ्स, सो दैट कि हमारी लाइफ में तो चेंज आए लेकिन हमारे बच्चों में अभी से ऐसे कुछ चेंजेस आने शुरू हो जाए, सो दैट कि बच्चे आगे चलकर नेगेटिविटी से और बैड एटमोसफियर से बच सके। तो इसमें हम लोग बच्चों को बिना दवाई का कैसे हील कर सकते हैं, क्या लगता है आपको कि ऐसे कार्यक्रम करने से कुछ इफेक्ट पड़ सकता है? हाँ, अगर हम ऐसे सेमिनार अटेंड करेंगे और थोड़ी जानकारी मिलेगी कि कैसे छोटी छोटी हमारी आदतें बदलने से बच्चों में भी कोई आदतें आएगी और उनमें भी पॉजिटिव थिंकिंग रहेगा और उनके हेल्थ पर भी असर करेगा। आप ऐसे पेरेंट्स को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं चाहती हूँ हर कोई ये सेमिनार वगैरह थोड़ा अटेंड करे। वैसे तो सबको पता है कि पॉजिटिव रहना है लेकिन हम कभी कभी वो नहीं कर पाते, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी नॉलेज मिलने से फिर हम वापस इस चीज़ में ध्यान देने लगते हैं कि हमको किस तरह के बच्चों को ट्रीट करना है, कैसे अपना रेगुलर शेड्यूल रखना है। 24 आवर्स टुडे न्यूज़ सूरत।